कंगना के ट्विटर वॉर में निशाने पर आई सोनिया गांधी, कहा मेरे साथ हुए बर्ताव पर एक महिला होने के नाते आपको नहीं आया गुस्सा। कंगना का सोनिया से सवाल, कहा अपनी सरकार से नहीं पूछेंगी क्यों नहीं करती संविधान का सम्मान। महिला अत्याचार पर आपकी खामोशी पर इतिहास करेगा इंसाफ, आपकी सरकार महिलाओं को कर रही परेशान। उद्धव ठाकरे पर कंगना का एक और प्रहार, कहा बाला साहेब को था डर एक दिन गठबंधन कर कांग्रेस बन जाएगी शिवसेना। कंगना ने कहा बाला साहेब ठाकरे मेरे आदर्श, अपनी पार्टी की हालत देखकर क्या सोचती होगी उनकी आत्मा। कंगना रनौत को अब ड्रग्स मामले में घेरने की तैयारी, मुंबई पुलिस को सरकार ने दिया जांच का आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने लिखी मुंबई पुलिस को चिट्ठी, कंगना के ड्रग्स कनेक्शन के तार खंगालने के आदेश। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के बयान पर कार्रवाई के आदेश, अध्ययन ने इस मामले से किया किनारा। रामदास अठावले ने कंगना के लिए मुआवजे की उठाई मांग, कहा नुकसान की बीएमसी करे भरपाई। कंगना के मामले पर महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले अठावले, कंगना को हर्जाना दिलवाने की अपील। कंगना की मां आशा रनौत का बयान, शिवसेना कायर और डरपोक, एक बेटी से डर गई शिवसेना। आज तक के साथ बातचीत में बोली आशा रनौत, महाराष्ट्र सरकार ने गलत किया, सारा देश मेरी बेटी के साथ। कंगना के टूटे दफ्तर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में बीएमसी ने दी सफाई, कहा नियम के तहत हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया काम। टूटा हुआ दफ्तर देखने के बाद कंगना का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ट्वीट, लिखा हर हर महादेव। हिमाचल में कंगना के समर्थन में उतरी बीजेपी, आईटी सेल ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा उतरा कंगना के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जयपुर में कुछ सामाजिक संगठनों ने कंगना रनौत के पक्ष में उतरे सड़क पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना के समर्थन में उतरे अयोध्या से साधु संत, बदले की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे का जलाया पुतला। कोलकाता में संजय राउत को धमकी देने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, कर रहा था वीडियो कॉल। बिल्डिंग में हिस्सेदारी वाले बयान पर शरद पवार ने कहा उनसे जिम्मेदारी से बात करने की उम्मीद नहीं। शरद पवार ने कहा यह कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच का मामला नहीं, बीएमसी के नियमों के तहत कार्रवाई। देवेंद्र फडणवीस का कंगना के बहाने उद्धव सरकार पर बड़ा हमला, कहा कंगना की जगह कोरोना पर दिखाए अपनी शक्ति। अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। फडणवीस ने कहा कंगना के बजाय कोरोना पर अगर 50% पर लगाती जोर तो बच जाती सैकड़ों की जान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।